लखनऊ के अकबर नगर में हुआ बड़ा हादसा, एलडीए की लापरवाही से हुआ बड़ा हादसा। 31 तारीख तक स्टे होने के बावजूद भी एलडीए पहुंचा था ध्वस्तीकरण के लिए। अकबर नगर एलडीए द्वारा बिल्डिंग गिराने वक्त हुआ बड़ा हादसा, बिल्डिंग का मलबा टूटकर गिरा दूसरे घर में। सूत्रों की माने तो मलबा दूसरे घर में गिरने से कई लोगों की गई जान। अकबर नगर की जनता और पुलिस के बीच हुई भिड़ंत, दोनों के बीच हुआ पथराव। ये अकबर नगर में जो है एनडीए द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई माननीय न्यायालय के निर्देश के तरफ यहाँ पर चल रही थी, जिसमें आज भी जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही थी उस दौरान एक जो बिल्डिंग है उसका स्लैब साइड वाली झोपड़ी के ऊपर टकराया है, जिसकी वजह से लोगों ने कुछ अफवाह फैलाई, पथराव हुआ। उसके बाद तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच करके शांति व्यवस्था कायम करी गई है। अब सामान्य है पूरी तरीके से स्थिति और ट्रैफिक भी यहाँ पर खोल दिया गया है। एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई की जा रही है और अब आगे जो है कोई और अपडेट अगर हमें मिलता है तो आपको। पथराव में कोई घायल तो नहीं हुआ पुलिस? नहीं, बिल्कुल भी कोई घायल नहीं हुआ है। अभी इस तरीके की कोई सूचना हमारे पास नहीं है, किसी भी तरीके की जनहानि की सूचना नहीं है, किसी भी तरीके की कोई भी पुलिसकर्मी भी इसमें घायल नहीं है। कोई भी अपडेट वर्तमान में हमारे पास नहीं है। जिस मॉब के थ्रू पथराव किया गया कि उनके ऊपर भी कोई अपडेट है या क्या घायल हुए या उनके खिलाफ, इसमें जो भी अपडेट होगा आप लोगों के साथ साझा। ठीक है, थैंक यू। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।